हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देखने वाले हैं रमजान T20 2022 का जो 25th मैच खेला जाने वाला है ACC वर्सेस IGM के बीच, मतलब शायद अगर CC वर्सेस इंटर ग्रुप मरीन के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है कल रात को 9:30 इंडियन टाइम के अनुसार उसके मैच व्यू। तो इस प्रीव्यू में आपको क्या क्या टॉपिक में देखने को मिलेंगे तो आप एक बार पहले देख लीजिए। पहले यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको, उसके बाद पिच रिपोर्ट यहाँ का क्या है तो वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। उसके साथ दोनों टीम का जो प्रबल प्लेइंग से खेले जाने वाले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ प्लेयर्स रिसेंट परफॉर्मेंस। साथ में आपको स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ग्रैंड लीग्स में आप कौन कौन से प्लेयर को पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग का कौन कौन से बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे, सारे बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए ताकि एक एक बात एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझ आए और साथ में आप एक अच्छी टीम बना पाए। अगर आपको एक भी पार्ट स्किप हो गए तो आप यहाँ पर टीम बनाने के टाइम आपको जाके बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा से पूरा देखने की। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, देखिए जो फाइनल टीम से टीम के साथ हम खेलते हैं और लगातार विनिंग कर रहा है तो वो टीम मिलने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जाइए टेलीग्राम पर @TurbulentFantasy लिख के वहाँ पर ज्वाइन बटन में क्लिक कीजिए, आसानी से ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमने क्रिकेट रिलेटेड सारे न्यूज़, कोई भी मैच के रिलेटेड बारिश के न्यूज़ या मैच की कोई अपडेट्स, हम सारे के सारे अपडेट्स वहाँ पर डाल देते हैं तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम की तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। लिंक में एक बार क्लिक करते ही एक सेकंड के अंदर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अभी बात करते हैं मैच की, सैयद अगा CC वर्सेस इंटर ग्लोब मरीन के बीच ये मैच खेले जाने वाला है कल 28 अप्रैल रात को 9:30 इंडियन टाइम के अनुसार। वेदर रिपोर्ट एक बार देखिए क्लियर रहने वाले हैं, वेन्यू एक बार देख लीजिए, शारजा क्रिकेट स्टेडियम UAE, मतलब आप सभी लोग जानते हैं शारजा बहुत ही छोटी ग्राउंड है लेकिन यहाँ पर T10 लीग हो रहा है तो इसलिए इसका जो डायमेंशन है स्क्वायर और बेसिकली स्ट्रेट डायमेंशन है, स्क्वायर तो यहाँ पर छोटा ही है तो यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री थोड़ा छोटा कर दिया गया है क्योंकि ज़्यादा फोर्स और सिक्स देखने के लिए यहाँ पर बाउंड्री छोटा कर दिया जाता है। T10 लीग्स में ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर ग्राउंड छोटा कर दिया जाता है तो ऐसा ही है। यहाँ पर एवरेज स्कोर यहाँ पर देख लीजिए 90 से लेकर 105 तक यहाँ पर एवरेज स्कोर रहता है, 90 से लेकर 105 तक। पिच रिपोर्ट ये बैलेंस्ड पिच रहने वाला है, पेसर को थोड़ा मदद मिलेंगे लेकिन रन्स यहाँ पर पड़ेंगे, साथ में विकेट भी निकालेंगे। तो अभी देखिए टोटल यहाँ पर 24 मैच अभी तक खेला गया है, उसमें से यहाँ पर 13 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम और 11 मैच यहाँ पर चेस करने वाली टीम ने जीता। तो यहाँ पर टॉस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बैटिंग का फास्ट करने वाली साइड भी जीता और चेजिंग करने वाली साइड भी यहां पर जीतते हैं। तो टुडे मैच प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं एक बार, यहां पर देखिए ACC के साइड यहां पर 55% जीतने की चांसेस है, जहां पर देखिए IGM की साइड जो है इंटर ग्लोब की जो टीम है उसकी जीतने की चांसेस यहाँ पर 45% है। तो मेरे हिसाब से ACC इस मैच को जीतने वाला है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। अभी चलते हैं रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस विथ प्रबल प्लेइंग के साथ देखेंगे हम। ACC की तरफ देखिए यहाँ पर खालिद शाह और हसन इसकाइल ओपनिंग कर रहा है, तो यहाँ पर खालिद शाह की रिकॉर्ड्स देखिए लास्ट मैच में 13 रन और 1 विकेट निकल रहा है और देखिए ये एक विकेट कीपर ऑप्शन में ये आपको मिल जाएंगे लेकिन बॉलिंग भी कर रहा है, यहाँ पर 1 विकेट भी निकाला। हसन इसकाइल की बात करें यहाँ पर देखिए लास्ट मैच 17 रन करके आ रहा है। नंबर 3 पर आपको देखने को मिल गया आर्यन सक्सेना, लास्ट मैच 10 रन बनाया है। नियाज खान यहाँ पर लास्ट मैच में 25 रन बनाकर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर है, अपनी टीम के लिए कैप्टनसी भी कर रहा है। नंबर 5 पर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर देखेंगे अब्दुल्ला खान, लास्ट मैच में 17 रन बनाया है। अतिकुल्ला अच्छा फॉर्म पर नहीं है। शेर खान की बात करें लास्ट मैच में 2 रन किया लेकिन विकेट 3 लिए, तो आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन रहने वाला है। साथ में कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए भी अच्छा चॉइस बन सकता है क्योंकि देखिए नंबर 5 डाउन यहाँ पर बैटिंग करने आ रहा है, साथ में 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 6 डाउन नंबर 8 की बात करें यहाँ पर हर्ष देसाई है जो कि लास्ट में 18 रन के साथ साथ यहाँ पर 3 विकेट भी निकाला, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया CBC ऑप्शन बन जाएंगे स्मॉल लीग पर। नंबर 9 की बात करें यहाँ पर फैजल अल्ताफ है, लास्ट में 6 रन बनाया है। नंबर 10 पर यहाँ पर देखिए उमीद रमन है, लास्ट में 2 रन बनकर आ रहा है, तो ये दोनों उतना अच्छा फॉर्म पर नहीं है, आप इनको एज ए ग्रैंड लीग प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 11 की बात करें शिवरंजीत सिंह कांग, यहाँ पर देखिए लास्ट में 3 विकेट निकाला, मतलब ये हर मैच में ही विकेट निकल रहा है, 2, 3, 4 करके विकेट निकल रहा है, तो इसलिए ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा कैप्टनसी की चॉइस बन सकता है। तो एक बार देख लीजिए ACC की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सिमरनजीत सिंह, हर्ष देसाई, शेर खान, अब्दुल्ला खान, नियाज खान और यहाँ पर खालिद शाह। आप चाहे तो यहाँ पर इसकाइल और अमित आर्यन सेक्शन में भी ट्राई कर सकते हो लेकिन फिलहाल ये जो 6+ के नाम हमने अभी आपको बताया ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। देखिए IGM की प्रॉबल पे से विद प्लेयर टेस्ट देख लीजिए एक बार, संदीप सिंह आसिफ खान के साथ ओपनिंग करने वाला है। संदीप सिंह लास्ट मैच में यहाँ पर 16 रन बनाया है
और आसिफ खान यहाँ पर लास्ट में 21 रन बनाए हैं। तो फ्रेंड्स पहले एक बात सुन लीजिए कि यहाँ पर जो ग्राउंड है शारजा का क्रिकेट ग्राउंड जो है वहाँ पर ही मतलब एक ही वेन्यू में यहाँ पर T20 लीग्स का सारे मैचेस हो रहा है, तो इसलिए प्लेयर्स यहाँ पर वेन्यू को अच्छे खासे रीड कर ले हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नंबर तीन की बात करें चुंदन गेपोली यहाँ पर रिजवन है, हम सी रिजवन बोलते हैं, तो लास्ट में 11 रन के साथ साथ एक विकेट भी निकाला, तो ये भी वन डाउन आ रहा है और साथ में दो ओवर बॉलिंग भी मिल रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकता है। यासिर कालिम को देखिए विकेट कीपर ऑप्शन पर है, लास्ट में 37 रन बनाया है, आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। बासिल हमिद की बात करें लास्ट में 3 रन बनाया है, विष्णु सुकुमार लास्ट में 12 रन किया है, एक गोल की बैटिंग नहीं आई और बॉलिंग भी नहीं किए। आसिफ मुमताज की बात करें लास्ट में 2 विकेट निकल कर आ रहा है। नंबर 9 पर आपको देखने को मिलेंगे लुकमान हजरत, नंबर 10 पर हैरी भरवाल, नंबर 11 पर मोहम्मद तैमूर, तो ये प्लेयर स्टार्ट रहने वाले हैं आपके लिए आईजीएम की तरफ से। एक बार देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर आईजीएम की तरफ से आपके लिए अच्छा पिक रहने वाला है एज ए स्मॉल लीग प्लेयर। संदीप सिंह, आसिफ खान, यासिर कालिम, ऋषि रिजवान, यहाँ पर आसिफ मुमताज और हैरी भरवाल, और साथ में यहाँ पर आप चाहे तो एक गोल को भी ले सकते हो। तो टीम ने लास्ट में इनको बॉलिंग नहीं दी, पता नहीं कौन सा रीजन में इनको बॉलिंग में यूज़ नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बॉलर है और अच्छा विकेट्स भी ले सकते हैं। तो फिलहाल ये 6 प्लेयर्स के साथ अब जाइए बिल्कुल स्मॉल लीग के टीम पर। स्मॉल लीग का जो सेफ कैप्टन सर वाइस कैप्टन का ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है आसिफ खान, शेर खान, सी रिजवान, सिमरजीत सिंह, तो ये 4 प्लेयर्स के साथ अब बिल्कुल स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ही कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। क्योंकि देखिए T20 लीग में ज़्यादातर यह होता है कि जो प्लेयर्स पहले से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं वही आगे जाकर आपको अच्छे परफॉर्मेंस देकर अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं। तो इसलिए आप इन चारों को मत छोड़िए किसी भी जगह पर, मतलब स्मॉल लीग हो गए, ग्रैंड लीग हो गए, कहीं भी इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर GL पिक्स एक बार देख लो, ए सक्सेना है, हसन एसिकाइल है, यासिर कालिम है और खालिद शाह है। तो आर्यन सक्सेना, हसन एसिकाइल, यासिर कालिम और खालिद शाह, इन चारों को आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कीजिए। जैसे कि हमने अभी बोला इन चारों को छोड़ना नहीं, जो स्मॉल लीग का कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस है इन चारों को छोड़ना नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हो यहाँ पर देखिए, अगर आप सिमरनजीत सिंह के साथ कैप्टनशिप ऑप्शन पर जा रहे हो तो वहाँ पर एक बात करो कि हसन एसिकाइल को एज ए VC बना दो, यहाँ पर बिल्कुल VC बना सकते हो यहाँ पर हसन एसिकाइल को। साथ में यहाँ पर यासिर कालिम जो है 2 ओवर बॉलिंग मिल रहा है इनको, साथ में ये अगर थोड़ा आप दी ऑर्डर बैटिंग करने आए तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन जाएंगे ग्रैंड लीग पिक्स पर। लेकिन खालिद शाह को देखिए विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर है, लेकिन अपनी टीम के लिए पहले ओपनिंग बैटिंग कर रहा है, साथ में अगर 2 ओवर बॉलिंग मिल जाए तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग पर एक बहुत ही बढ़िया कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन बन जाएंगे। तो वहाँ से आप 4 जो सेफ ऑप्शन है उनको पिक करके खालिद शाह के साथ एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल ये गई आपको जो स्टैट्स एनालिसिस की बात, अभी चलता है D1 की तरफ, वहाँ पर हमने एक टीम बना के दिखाएंगे आपको जो हमारे डेमो टीम रहेंगे, लेकिन फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं D1 की तरफ, वहाँ पर हमने एक डेमो टीम देंगे। यहाँ पर देखिए विकेट कीपर ऑप्शन में आपको 3 जो बेस्ट प्लेयर मिल जाएंगे, यहाँ पर एस सिंह है, वाई कालिम है और के शाह है। यहाँ पर एक खान नहीं खेल रहा है तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, इन 3 प्लेयर्स को आपको पिक करना ही होगा। क्योंकि देखिए इनका सिलेक्शन आप एक बार देख लीजिए 86.64% है। एस सिंह का है देखिए IIM की तरफ से खेल रहा है, 73% के ऊपर इसका जो सिलेक्शन है। वाई कालिम का सिलेक्शन है 63.61%, तो इसलिए इनको आपके स्मॉल लीग टीम पर पिक करना ही होगा, क्योंकि जो सेफ प्लेयर्स है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल आप पिक कीजिए। बैटिंग ऑप्शन पर देखिए एच एसकाइल, आसिफ खान, साथ में यहाँ पर और एक ऑप्शन है जो कि है आर्यन सक्सेना, 14% वाला है लेकिन आपके लिए अच्छा कर सकता है। और अगर आप तो ग्रैंड लिस्ट पर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से भी सुकुमारन है, यहाँ पर जाइनुल्ला भी है, आपके लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिस्ट के लिए आपके लिए अच्छा प्लेयर रहेंगे। ऑलराउंडर ऑप्शन देखिए सी रिजवान है, साथ में यहाँ पर एस खान है, जो 2 बेस्ट ऑलराउंडर है उनको हमने अभी हमारे टीम पर पिक कर लिया है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो यहाँ पर देखिए एल हजरत है, एस खान है, तो इनके साथ आप बिल्कुल ग्रैंड लीग में एज ए रिस्की ऑप्शन जा सकते हो। नहीं तो आप सेफ जाना चाहते हो तो यहाँ पर सी रिजवान और एस खान आपके लिए सेफ ऑप्शन है। बॉलिंग ऑप्शन पर देखिए सिमरनजीत सिंह कांग है, जो कि हर मैच में विकेट निकल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया कैप्टन और वाइस कैप्टन से ऑप्शन बन जाएंगे। साथ में ए मुमताज है और एच देसाई, जो कि हर मैच में विकेट निकल रहा है। नहीं तो आप यहाँ से देखिए इमरान ताहिर, मोहम्मद आमिर जैसा प्लेयर यहाँ पर नहीं खेल रहा है तो इसको आप बिल्कुल मत लीजिए अपनी टीम पर। और जो 2 ऑप्शन है हैरी भरवाल है, एम तैमूर है और यहाँ पर एफ अल्ताफ है, इन 3 ऑप्शन के साथ आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कीजिए एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। क्योंकि देखिए 2 ओवर बॉलिंग मिल रहा है, थोड़ा अगर आगे आकर बैटिंग कर ले, थोड़ा सा 10 या 20 रन बना दे तो T20 लीग में आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। एक बार अभी देख लीजिए कैप्टन और वाइस कैप्टन, जो सेफ हमारे कैप्टन रहने वाला है वो है एस खान, और जो रिस्की ऑप्शन बात करें यहाँ पर हमने थोड़ा आसिफ खान को रिस्की वाइस कैप्टन बनाया है, 9% वाला वाइस कैप्टन है, उतना तो रिस्की नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर एच इसकाल के साथ भी जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से
खालिद शाह के साथ जा सकते हो, ओपनिंग कर रहा है और दो ओवर बॉलिंग भी मिल रहा है तो आप इनके साथ जा सकते हो। तो फिलहाल ये रहेगा हमारा डेमो टीम। फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, देख लीजिए एक बार प्रीव्यू। यहाँ पर एस सिंह है, खालिद शाह, याजिर कालीम, आसिफ खान, आर्यन सक्सेना, हसन एसिखायल, सी रिजवान, एस खान, आसिफ मुमताज, एच देसाई और सिमरनजीत सिंह। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर और एक सेव ऑप्शन आपके लिए है, सिमरनजीत सिंह जो कि बॉलिंग ऑप्शन पर है, बहुत ही बढ़िया सेव ऑप्शन है आपके लिए स्मॉल लीग पर। यहाँ पर आप गैलेक्स पर ट्राई कीजिए एच देसाई, ए मुमताज, सी रिजवान, वाई कालीम और खालिद शाह के साथ। खालिद साहब के लिए स्मॉल लीग में भी अच्छा ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आप चाहे तो ग्रैंड लीग पर भी इनको ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल ये रहेगा हमारा स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस अपडेट्स आप तक पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। ये अच्छा सा टीम बनाए और अच्छा सा विनिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट।